ये होरी है, ये होरी है, अरिया हो रहा है। ब्रिज में ब्याही गई, वहां की होली देखा तो कहती है कि अरे हमारे मायके में भी होली होती है, लेकिन ऐसी होली नहीं होती, ये होली है कि हो रहा है। ये होली है, आया होली है, हरिया हो रहा है। सखी और जितने सखा लोग हैं, अरे शैतान तो सभी हैं क्योंकि शैतान के साथी हैं, लेकिन ये नंद का छोरा जो है ये तो सब में टॉप करता है। इसको तो कुछ ख्याल ही नहीं है समाज का, लोक का, क्योंकि गोलोक में तो कोई पर्दा होता नहीं, तो आदत तो है नहीं पर्दे की ठाकुर जी की। यहां मृत्युलोक में आए थे, यहां दो दो फुट के घूंघट थे गोपियों के, तो घूंघट को हटाना वगैरह सभी वर्क करना पड़ा उनको नया नया। तो सखी कहती है तो ऐसा भोंदू भट्ट है, इसे दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं। अरे सभी लड़के हैं संसार में, होली खेलते हैं तो कम से कम थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, ये बिल्कुल नहीं रखता। तो सखी मेरा तो ये समझना है इसके प्रति, किसका शरीर ही काला नहीं है, मन भी काला है, इसके बाहर ही गड़बड़ नहीं है, भीतर भी गड़बड़ है, इसलिए ऐसी हरकतें करता है। ठाकुर जी सुन रहे हैं बेचारे, और सखी देख अगर मैया से हम लोग शिकायत करते हैं तो मैया कहती है मेरा लाला तो बहुत भोला भाला है, उसको ऐसा बेवकूफ बना रखा है इसने कि मैया को बोध ही नहीं होता है कि इतना चालाक हो सकता है, यानी सर्वज्ञ है। ये हो रही है, आया है।
कारिया भूरा है यह भूरी है सरल अर्थ है, आप लोग समझते होंगे। अरे काली ही भयो ब्याहु मम आजुही, ओ काली ही भयो ब्याहु मम आजुही। कर मोही झक झोरा है यह भूरी है, आया होरी है।
झकोर दिया उसने, ये तो कोई खतरनाक बात नहीं है। झकोर दिया, झकोरना कौन सीरियस बात है, तू भी बात का बतंगड़ बनाती है। नहीं सखी, और बहुत सी बातें हैं, कहने में शर्म लगती है, कैसे कहें, संक्षेप में सुन ले। घूंघट तारी, घूंघट तारी, फारी कंचू की पत, घूंघट तारी फारी कंचू की पत, कहू सखी कस जोरा है, अहोरी है, की खड़ी रह गई। इतना गुलाल मल दिया, इतने कपड़े फाड़ दिए और रंग में सराबोर कर दिया, अब मैं घर जाऊंगी तो मेरा पति पूछेगा ये कहां हुआ, किसने किया, और ये बदनाम लड़का है, अगर इसका नाम लिया तो फिर मेरी वो पिटाई होगी। लठिया से बात करता है गुजर। तो ठाकुर जी ने जान लिया कि ये सखी परेशान है, तो ठाकुर जी ने कहा, सुन मैं जवाब बता रहा हूं, बता देना उससे।
पुनि कहा जो पूछे प्रिय तेरो असली, एक मैं होता है नकली। तो असली मैं का प्रियतम श्याम सुंदर और नकली मैं का प्रियतम जिससे ब्याह होता है वो नकली मैं माने शरीर। अज्ञान से हम लोग शरीर को मैं ऐसा बोला करते हैं और वास्तव में ये मैं नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मेरा शरीर। तो जो मेरा है वो मैं कैसे होगा? मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मेरे हैं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो ये जो अल्पज्ञ लोग शरीर को मैं समझते हैं उनका मेरा है शरीर संबंधी, और जो ज्ञानी लोग आत्मा को मैं समझते हैं उनका मेरा है परमात्मा। तो सखी अपने नकली पति से कह देना कि वो मेरा पति है, मेरा माने मैं का, मैं माने आत्मा, वो आत्मा का पति है, इसलिए उसको शरीर पर भी अधिकार है और आत्मा पर भी अधिकार है, दोनों पर अधिकार है। और संसारी पति को शरीर पर अधिकार है, आत्मा पर नहीं है। मरने के बाद पति अलग जाएगा, स्त्री अलग जाएगी अपने अपने कर्म के अनुसार, वहां कोई साथ नहीं, किसी के कर्म को किसी का फल नहीं मिलना। इतनी सारी बुराई कर रही है वो श्याम सुंदर की, इतने में ही कृपालु पहुंच गया और कृपालु ने कहा क्या बात है, ये तो श्याम सुंदर के खिलाफ बोल रही है, लेकिन मैं सब जानता हूं। क्या जानते हो? बता दूं? बताओ। सुनो, कहा कृपालु हम जानत नीके, कहा कृपालु हम जानत नीके, तेरो यह तेरो चित चोरा है, यह होरी है, यह तेरो चित चोरा है, यह होरी है, कारिल रंग बोरा है, यह होरी है, ओ मैया कहया भोरा है, यह होरी है, हाँ यह होरी है, हाँ यह होरी है, यह होरी है।
ब्रज के छोरा की।